Hello everyone, this is Parithi. In today's video, we are going to discuss a topic of grammar, that is narration. Isko direct speech and indirect speech bhi kehte hain. To before starting, kuch aise points hain jisko hume hamesha dhyan rakhna chahiye. Aur direct indirect hota kya hai? Dekhi, direct speech matlab hota hai, jise do jano mein baat ho rahi hai. Do logo mein, suppose karo Ram aur Shyam, dono ek dusre se baat kar rahe hain. राम कह रहा है, अरे श्याम तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो. तो ये जो बातचीत हो रही है राम और श्याम दोनों में आपस में हो रही है. तो राम श्याम के बारे में बोल रहा है, श्याम राम के बारे में बोल रहा है और एक दूसरे से वो लोग बात कर रहे हैं. अब सपोज़ करो ये बातचीत इस टाइप से होती है कि राम कहता है श्याम से, अरे तुझे पता है वो जो मीन्स थर्ड पर्सन के नाम, सपोज़ करो राहुल, राहुल के बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो राम कहता है श्याम से, अरे तुझे पता है राहुल ने बड़ा अच्छे मार्क्स स्कोर किए, उसके एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया उसका. अब ये जो राम और श्याम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. राम ने कहा, राम कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन. किससे कहा? श्याम से कहा. श्याम कौन हो गया? सेकंड पर्सन. तो थ्री पर्सन आपको जानना जरूरी होता है. पहला पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा पर्सन जो उसकी बात सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में होती है. जैसे टीचर ने कहा स्टूडेंट से, यू हैव टू गिव टेस्ट टुमारो. ये टीचर ने स्टूडेंट से कहा. अब स्टूडेंट सेम जो मैसेज है, टीचर ने क्या मैसेज दिया, टीचर ने क्या बात कही कि आपको कल टेस्ट देना है, ये चीज़ अगर स्टूडेंट अपनी मम्मी से कहता है, घर जाके अपने पेरेंट्स से, किसी से भी कहता है कि टीचर ने कहा कि हमें कल टेस्ट देना है, तो ये चीज़ क्या हो गई? आपने थर्ड पर्सन से कहा. थर्ड पर्सन कौन होगा यहाँ पर? मम्मी या पेरेंट्स होंगे. फर्स्ट पर्सन कौन है? टीचर. सेकेंड पर्सन स्टूडेंट. और थर्ड पर्सन आपके पेरेंट्स. ओके, तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या होगा? जब आपने टीचर ने जो मैसेज दिया था उसको अपनी लैंग्वेज में, आपने ऐसा तो नहीं कहा कल मैं आपका टेस्ट लूँगी, आपने अपने पेरेंट्स से ही बात कही, अपनी मम्मी से आपने कहा कि टीचर ने कहा कल मैं आपका टेस्ट लूँगी, टीचर ने कहा कि वो कल हमारा या कल वो हमारा टेस्ट लेंगी, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट. ओके, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है. रिपोर्टिंग वर्ब होती है कि कहने का तरीका, जैसे राम सेज, राम सेड, राम टेल्स, राम टोल्ड, राम आस्क्ड, राम ऑब्जर्व, या राम इंट्रोगेटेड, राम रिक्वेस्टेड. ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ड. कि जो रिपोर्ट कर रहे हो वो, मीन्स रिपोर्ट का मतलब होता है आप एक चीज़ को दूसरे लोग तक पहुंचा रहे हो उस थॉट को, तो वो किस वर्ब, उसका वर्ब क्या है, कौन सी क्रिया है, कौन सा वर्ब है, उस टाइम क्या यूज़ कर रहे हो आप, ओके, कौन सा टेंस है. राम ने कहा था, राम ने कहा है, राम कह रहा है, तो तीनों टेंस, तीनों में आप डिफरेंस फाइंड करेंगे ना. राम ने कहा था पास्ट हो गया, राम कहेगा फ्यूचर हो गया, राम कह रहा है प्रेजेंट हो गया. तो रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है. अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट में आपको सेंटेंस में दे रखा है सेड, तो आप इनडायरेक्ट में भी सेड यूज़ करेंगे. सेड टू दे रखा है तो आप टोल्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज मीन्स मोर अप्रोप्रिएट, यू कैन से काइंड ऑफ से. या सेज है तो सेम से और सेज करेंगे, से टू है तो टेल, और सेज टू है तो टेल्स. अब रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया. रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच मतलब वो मैसेज जो आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, जो आप किसी को दे रहे हो. दैट मीन्स अगर टीचर ने स्टूडेंट से कहा तो वो एक मैसेज था, स्टूडेंट ने मदर से कहा वो अगेन मैसेज था, तो वो मैसेज जो होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है. अब इसमें जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, आप वर्ड दैट को यूज़ करते हैं. फिर जो टेंस होता है, टेंस ऑफ सेंटेंस इज नॉट चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, ना कि रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स राम से, राम, राम सेज आएगा, राम सेज, बॉय से. या अगर क्वेश्चन में आ गया टेल, जैसे राम टेल्स, बॉयज टेल, तो ये अगर आपके वर्ड says, tell, tells, ask, observe, interrogate, तो ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपके जो अंदर का मैसेज है, कॉमा के अंदर जो आपको मैसेज मिलेगा वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो उसका बस आप जो प्रोनाउंस होंगे वो चेंज होंगे. ओके, अदरवाइज जो टेंस है वो सेम रहेगा. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. डायरेक्ट में आपको दे रखा है सेंटेंस, सूर्या सेज आई वॉज गोइंग टू पुणे. अब
आई वॉज गोइंग, ये कौन सा टेंस है? वॉज है, दिख रहा है हमें, पास्ट है, गोइंग है, कंटिन्यूस है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? अंदर का जो टेंस है आई वॉज गोइंग टू पुणे, ये क्या सेंटेंस, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस है। अब आप जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तब भी इसका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा? चेंज बस ये जो पंक्चुएशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, ये चेंज हो जाएंगे। इसको आपको इनडायरेक्ट में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट में क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये बात एज इट इज़ सूर्या ने कही, सूर्या ने जो कहा वो एज इट इज़। अगर आप किसी की बात एज इट इज़, जैसे हम थॉट्स लिखते हैं, अगर किसी ने थॉट कहा कोई और वो एज इट इज़ है तो हम उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ये जो अंदर का जो आप लाइन देख रहे हैं, जो कॉमास के अंदर की जो लाइन है डबल इन्वर्टेड कॉमा की, तो वो क्या है? आपका मैसेज है और वो एज इट इज़ दे रहा है, उसमें आपने चेंज नहीं किया। चेंज आपने कब किया? जब आपने इनडायरेक्ट यूज़ किया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सूर्या सेज दैट, मैंने कहा था दैट हमको यूज़ करना है। अब आई की जगह क्या हो गया? ही हो गया। क्यों हो गया ही? ही इसलिए हो गया क्योंकि सूर्या क्या है? बॉय है। वहाँ पे सूर्या की जगह अगर गर्ल का नेम होता, सिया होता, तो हम ही की जगह क्या करते? शी कर देते। और बाकी जो सेंटेंस है वॉज गोइंग टू पुणे, वो एज इट इज आ जाएगा, वॉज गोइंग टू पुणे। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट में, माई फ्रेंड्स से टू मी। अब से टू है तो हमको क्या यूज करना है? टेल, यू आर अ हेल्पफुल गर्ल। अब यू आर अ हेल्पफुल गर्ल किसको बोला उसने? मेरी फ्रेंड्स किसको बोलती हैं? मुझे कहती हैं कि तुम एक अच्छी गर्ल, मीन्स हेल्पफुल गर्ल हो। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा? माई फ्रेंड्स टेल मी, से टू था इसलिए हमने क्या कर दिया? टेल कर दिया। फ्रेंड्स है इसलिए टेल है, फ्रेंड होता तो टेल्स होता, तो माई फ्रेंड्स टेल मी दैट। अब यू किसके लिए बोला उसने? मेरे लिए कहा, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने किससे बोला? मुझसे कहा, तो यू आ गया जब आपने डायरेक्ट था। लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू की जगह आई, आई एम अ हेल्पफुल गर्ल। यू के साथ आर यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं, और आपका जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ होगा और टेंस उसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट में स्टेटमेंट है, मदर सेज टू माई ब्रदर आई विल गिव अ गिफ्ट। मदर ने ब्रदर से कहा आई विल, तो किस, कौन है ये आई? यहाँ पर आई कौन है? मदर है। अब देखिए सेंटेंस, मदर टेल्स सेज टू की जगह क्या करेंगे हम? टेल्स, टेल्स माई ब्रदर दैट। अब आई की जगह मैंने क्या कहा था? मदर है, तो मदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी। फादर होते तो क्या करते? ही। शी विल गिव अ गिफ्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट डायरेक्ट में रवि सेज आई स्टडी इन क्लास 10th, तो रवि सेज दैट ही स्टडीज। क्यों स्टडीज है? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टडी है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको एस और ईएस लगाना होता है जब भी आपका सेकेंड थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर होता है। तो हमने क्या कर दिया? ही के साथ स्टडीज कर दिया इन क्लास 10th। सिया सेज टू दिया आई प्लेड बैडमिंटन, प्लेड है, पास्ट टेंस है, तो प्लेड एज इट इज प्लेड में पास्ट टेंस सेम आ जाएगा। और चेंज क्या होगा? सिया सेज टू की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे टेल क्यों था? क्योंकि फ्रेंड्स थे, प्लूरल के साथ आपको एस नहीं लगाना है, सिया सिंगुलर है इसलिए आपको एस लगाना है, तो टेल्स हो गया। तो सिया टेल्स दिया दैट शी प्लेड बैडमिंटन। तो ये जब कब करना है आपको ऐसा? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो। देखिए यहाँ पे सेज 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 अगेन टेल, ये सब कौन सी है? ये प्रेजेंट है। पास्ट कब होती? जब सेड आता, टोल्ड आता, सेड टू आता, आस्ड आता, तब क्या होता है? आपका पास्ट टेंस होता। अब प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे आप देख लीजिए। डायरेक्ट में आए हमेशा ही और शी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, रवि सेड आई एम गुड, तो रवि सेड दैट ही इज, सॉरी रवि सेज आई एम गुड, तो क्या हो जाएगा? रवि सेज दैट ही इज गुड। तो आई का ही, अगर रवि चाहिए गर्ल का नहीं होता तो शी आ जाता। यू का ही, शी, दे, या फिर आई भी हो सकता है। अगर ही सेड टू मी तो उस टाइम आई भी आ सकता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था पहले माय फ्रेंड सेड टू मी वाला। माय का हिज और हर, योर का हिम हर देयर, मी हिम हर, वी का दे, आर का देयर, अस का देम। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो चेंज होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा है। अगर डायरेक्टली टू मी या टू हिम दे रखा है तो आपको उस हिसाब से ही चेंज करना होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका जो चेंज होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तब, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, या नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है,
लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, जस्ट नाउ का जस्ट देन हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, अगो का बिफोर। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पंक्चुएट करना है, तो इसमें आप ये देखेंगे पंक्चुएशन का आपको ध्यान रखना है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से पंक्चुएशन आपको हमेशा देखने होते हैं। अब ये तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट स्पीच है, ओके, तो आपको सबसे पहले तो वर्ड्स कहाँ कैपिटल यूज़ करने हैं उसका ध्यान रखना है आपको, कैपिटल वर्ड्स का, कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर वन इज माई ब्रदर से, दैट शुड बी सेज, उसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। माई ब्रदर सेज आई विल गिफ्ट यू अ ब्रेसलेट। फिर नेक्स्ट द टीचर ऑब्जर्व शिल्पा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रिया सैड आई हैव बीन गिविंग माई टेस्ट, बेस्ट विशेज टू दिस गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। में आपको कन्वर्ट करना है मोहन टेल्स आई विल बी परचेजिंग अ कार नेक्स्ट वीक। Students say, we learned these answers. Sia says to Ria, I had attended the meeting yesterday. Girls say, we have understood the topic. Boy says, I have been studying since today morning. तो ये आपका होमवर्क है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।